डे टू डे पाकिस्तान की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर क्यों आए हैं आप आज? जी आज हम यहाँ पे मुजाहरा करने आए हैं अपने फिलिस्तीनी बहन और भाइयों के लिए, जिनके ऊपर बहुत जुल्म और बहुत उनके ऊपर ऐसी बारबेरिया किस्म के एक्शन लिए जा रहे हैं, जो हमें एज अ मुसलमान और सबसे पहले एज अ ह्यूमन हमें तस्लीम नहीं है। हमें यह हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आज हम यहाँ पे सड़कों पे निकलें, अपने फ़िलिस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाएं और उनके हकूक उनको दिए जाएं। आपका क्या पैगाम है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, फ़िलिस्तीनियों के लिए? मेरा पूरी दुनिया के लिए सबसे पहले ये पैगाम है, अगर आप मुसलमान नहीं भी हैं तो आप सबसे पहले एक इंसान हैं। आप इंसान होने के नाते ये सोचें कि एक वतन जहाँ पे आप सो नहीं सकते, रात को बम आसमानों से गिर रहे हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में गिर रहे हैं, आप वहाँ पे कैसे सो सकते हैं कि मुसलमानों के इंसानों के साथ इतना जुल्म हो और आप किस तरह रात को खुद सो सकते हैं। तो मेरा सब इंसानों से, पूरी दुनिया के इंसानों से ये पैगाम है कि प्लीज़ ज़रा होश के नाहून लें, ज़रा नींदों से जाग जाएँ और फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाएँ। अजी क्या नाम आपके? अभी तो हाल हमारे सबके ख़राब है, जैसे कि आप जानते हैं फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है। हम सब मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा वो सैडनेस की फीलिंग्स है, यू नो कि आपको पता है हम सब मुसलमान हैं और हमारे मुसलमानों में से किसी को एक कुछ हो जाए तो हम घबराते हैं, और हम सबको चाहिए कि हम सब मुसलमान एक हो और साथ हो और मुकाबला करें। और इसराइल मैंने देखा अभी आपने झंडे को जलाया पाँव के नीचे रोंदा, इसकी क्या वजह है? ये वजह देखिए, इसराइल जो है मुसलमानों से उनकी दुश्मनी है, और जिसकी हमसे दुश्मनी हो तो हमारी डबल दुश्मनी हो, ठीक है। एक और बात मैंने कल नोट किया, सब यहाँ पे कह रहे थे इमरान खान को ये बोले, इमरान खान को वो बोले, देखे जो जिस जगह पे है उसको पता है उसने कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा स्टेप कब लेना है, ठीक है। और हमें चाहिए जो इसराइल की ब्रांड्स है उनसे अगर हम दूर रहें, अगर उन्हें बंद करें तो बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। हम सब मुसलमानों के लिए हम चाहिए, हम सब मुसलमानों को एक साथ हो और मुसलमानों का साथ। थैंक यू। देखें आपकी जितनी अवाम इधर इसराइली ब्रांड्स के साथ ऑब्सेस्ड है, लाइक हार्डीज ले लें, आप डेली के उनको इतने पैसे जमा करवा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है लोगों को, क्या जितने भी उनकी ब्रांड्स है यहाँ पे जरूरी उन सबके, यानी कि आप क्या, आपका क्या ख्याल है उनके साथ, क्या एक्शन लेना चाहिए? यही कहना चाहती हूँ, अगर आप ये सोच रखेंगे कि हम नहीं आज खाते या कल नहीं खाते, यार हम खा लेते हैं, और भी तो मुल्क खा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मुल्क इस चीज़ से बचेगा तो काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाएगा हमारे मुल्क में, खासतौर पर इस्लामी मुल्क में पाकिस्तान। आज सर आप इधर आए हैं, इसकी क्या वजह है? सर बेसिक रीज़न ये है कि यूनिटी शो करना, और जो फ़लस्तीन के उधर डिफरेंट बम्बारमेंट और चीज़ें मिस हो रही हैं उनको कंडेम करना, और लोगों को दिखाना कि जब तक हम यूनाइटेड शो नहीं होंगे, यूनिटी शो नहीं करेंगे, तब तक जो चीज़ें हैं वो बदल नहीं सकती। घर बैठ के कभी भी चेंज नहीं आता, चेंज धूप में निकलने से आता है, चेंज आपको स्ट्रगल करने से आता है। तो आपका क्या ख्याल है इतना सब जो हो रहा है उसके खिलाफ़ क्या एक्शन लेना चाहिए हमें? सर देखें, सबसे पहले तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज़ें हैं, और इसका हमने रिज़ल्ट भी देखा है। अब रात को जैसे न्यूज़ आ रही थी वो चीज़ें सेटल डाउन कर रही हैं, आई थिंक सीज़ फायर कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद के साथ ये चीज़ें ज़रूर सेटलमेंट होंगी। और जैसे जैसे लोगों ने अपनी यूनिटी शो की है, मुस्लिम के कंट्रीज़ ने शो की है, उसी तरह साथ साथ उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। अब देखें थोड़े से वो लोग हैं फ़लस्तीनी जो है, वो जो इसराइली हैं, जो यहूदी हैं, वो बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन है, मुस्लिम बहुत ज़्यादा है। अगर मुसलमान अपनी सारी यूनिटी शो करें तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। इसलिए हम आए इत्तेजाज कर रहे हैं कि उनको आज़ादी दी जाए, और ये नहीं कि सीज़ फायर किया उन्होंने, हमें चाहिए बाकायदा पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए हमें। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। आज आपके इधर प्रोटेस्ट में आने की वजह? सर प्रोटेस्ट में आने की वजह ये है कि जो हमारे मुसलमान बरादरी पे जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में, ठीक है, बर्मा में जो मुसलमानों पे फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, हम उसका टोटली कंडेम करते हैं। इसराइल की तरफ से जो भी ये गुंडागर्दी की जा रही है, हम इसको मुस्लिम दुनिया के लिए आवाज़ उठाने के लिए निकले हैं। और आप क्या सोचते हैं कि जो ये
मामला हो रहे हैं, जो ममालिक आपस में मिल गए हैं, इंडिया इसराइल ये इकट्ठे हो रहे हैं, इसके यानी कि क्या उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है? देखें, ये बिल्कुल गैर मुस्लिम लोगों की साजिशें होती हैं एक मुस्लिम दुनिया की आवाज़ दबाने के लिए। मुस्लिम दुनिया अल्लाह ताला की तरफ से उनको मदद होती है, ठीक है, अल्लाह ताला की मदद से इंशाल्लाह हम एक दिन पूरी दुनिया पे गलबा पाएंगे। मुसलमान जो जितनी भी कौमें हैं उनका हक है और हम आखिरी सांस तक उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलती। ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। इधर क्यों आए हैं सर? इधर हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी वजह से सीज़ फायर हुआ है, जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं इसकी वजह से, मुसलमानों की वजह से ही, हमारे फलस्तीन के भाइयों के लिए हम इधर आए हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं फलस्तीनी के लोगों के लिए? फलस्तीन के लोगों को एक ही पैगाम है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी कहते हैं, हम आप लोगों के साथ हैं, हम आप इधर आज आप लोगों के लिए आए हैं।